पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम अनुगूंज की इस कड़ी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं हम योगेंद्र टिक्कू और सुषमा शर्मा। श्रोताओ, आज की इस कड़ी में हम आपका परिचय करवाएंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के उस शिष्य से, जो न सिर्फ शास्त्रीय गायन के लिए जाने जाते हैं अपितु मराठी नाट्य मंच के एक लोकप्रिय गायक और अभिनेता भी रहे। वो न सिर्फ शास्त्रीय गायक थे बल्कि वादक भी थे और कथक नृत्य भी जानते थे। हम बात कर रहे हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन की। तो आइए जानते हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन के व्यक्तित्व को। विनायक राव नारायण राव पटवर्धन का जन्म 22 जुलाई 1898 को महाराष्ट्र के मिराज में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 4 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। इनका पालन इनके संगीतकार चाचा ने किया, जो पखावज बजाते थे। विनायक राव ने 7 वर्ष की आयु से अपने दूसरे चाचा के संगीत विद्यालय गणेश संगीत विद्यालय से संगीत सीखना आरंभ किया। 2 वर्ष पश्चात ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में बुला लिया। मिराज के राजा ने विनायक राव को संगीत सीखने के लिए मासिक वजीफा भी दिया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय की एक शाखा बंबई में खोली और विनायक राव पटवर्धन को बंबई ले आए। 12 वर्ष तक विनायक राव पटवर्धन पंडित पलुस्कर जी से संगीत सीखते रहे। विनायक राव पटवर्धन न केवल गंधर्व महाविद्यालय में संगीत सीखते थे बल्कि छोटे विद्यार्थियों को संगीत भी सिखाते थे और विद्यालय के प्रबंधन में हाथ भी बटाते थे। वो शास्त्रीय गायन तो सीखते थे ही, साथ में ही उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों जैसे तबला, हारमोनियम, सितार, वायलिन आदि बजाना और कथक नृत्य भी सीखा। आइए अब सुनते हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन का गाया राग परज। विनायक राव पटवर्धन ने गंधर्व महाविद्यालय से पहले संगीत प्रवेशिका और फिर संगीत प्रवीण की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु ज्ञानाचार्य इच्छल करंजीकर के पास उच्च संगीत शिक्षा लेने गए। ज्ञानाचार्य इच्छल करंजीकर के सानिध्य में उन्होंने ग्वालियर घराने की परंपरा अनुसार रागों के गायन और बंदिशों की बारीकियों पर अपनी पकड़ मजबूत की। इसके अतिरिक्त
उन्होंने उस्ताद रहमत खां से विशेष तौर पर तराना गायन सीखा। आइए सुनते हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन का गाया राग केदार में एक तराना। महाराष्ट्र के नामी नाट्य कलाकार और गायक पंडित बाल गंधर्व ने उन्हें अपनी मंडली गंधर्व नाटक मंडली में अभिनेता और गायक के रूप में आमंत्रित किया। पंडित विनायक राव पटवर्धन इस मंडली से 10 साल तक जुड़े रहे और उन्होंने मंडली के अनेक नाटकों जैसे अमृत सिद्धि, एकचा प्याला, मान अपमान, मृच्छकटिका, विधि लिखित, मेनका आदि में अभिनय किया। पंडित विनायक राव पटवर्धन ने मराठी नाटकों में संगीत संयोजन भी किया। उन्होंने नाट्य संगीत पर 2 पुस्तकें नाट्य संगीत प्रकाश और महाराष्ट्र संगीत प्रकाश भी लिखी। आइए सुनते हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन का गाया कबीर का एक भजन। अब मैं अपने राम को विधाऊं, अब मैं अपने राम को पंडित विनायक राव पटवर्धन को पंडित वीडी पलुस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय नागपुर का प्रधानाचार्य नियुक्त किया और शास्त्रीय संगीत के प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के देहांत के बाद पंडित विनायक राव पटवर्धन ने पुणे में गंधर्व महाविद्यालय खोला। उन्होंने संगीत सिद्धांतों पर आधारित पुस्तकों का पाठ्यक्रम तैयार किया और संगीत में परीक्षा पद्धति बनाई। पंडित विनायक राव पटवर्धन ने पुणे में ही विष्णु दिगंबर संगीत विद्यालय, भारतीय संगीत प्रसारक मंडल और विष्णु दिगंबर स्मारक मंदिर की स्थापना भी की, जहां उन्होंने संगीत साधकों को
शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। आइए सुनते हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन के स्वर में राग मालगुंजी। पंडित विनायक राव पटवर्धन ने संगीत शिक्षा के साथ साथ संगीत समारोहों में भी समय समय पर गाया। उन्होंने नागपुर में संगीत सभाओं में तो गाया ही, गांधी जी के साबरमती आश्रम में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। पंडित विनायक राव पटवर्धन आकाशवाणी से भी 1927 में जुड़े और लगभग 50 वर्ष तक आकाशवाणी से जुड़े रहे। उन्होंने विदेशों में भी अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध किया। आइए सुनते हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन के स्वर में राग बिहागड़ा। पंडित विनायक राव पटवर्धन के गायन में ख्याल की बोल बांट, बोल तान, बहलावा और बंदिशों की तिहाइयों की गायकी से उनकी गायन की प्रवीणता प्रकट होती थी। वो ख्याल, तराना, भजन, अष्टपदी, नाट्य गीत सभी सहजता से गाते थे। उन्होंने अनेक लक्षण गीतों, ख्याल और बंदिशों की रचना की। आइए सुनते हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन का गाया मीरा का एक भजन। मत जा जोगी
मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा मत जा, प्रेम भक्ति को बेटो ये न्यारो, प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति को प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति को प्रेम भक्ति को हमको गैल बता जा बता जा बता जा, हमको गैल बता जा जोगी मत जा 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 जोगी जोगी जोगी। पंडित विनायक राव पटवर्धन को 1965 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 23 अगस्त 1975 को 77 वर्ष की आयु में पुणे में उनका निधन हो गया। आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और सुषमा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।